हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि हम लैब में कौन से केमिस्ट्री लैब में मेनली केमिस्ट्री लैब में कौन से हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं या कौन से हम अपरेटस का यूज़ करते हैं, उन सब के बारे में हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। देन फर्स्ट अपरेटस है हमारा टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब आप लोग ज़्यादातर तो आप लोग केमिस्ट्री में लैब में ही यूज़ करेंगे। तो अ टेस्ट ट्यूब इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वेयर सैम्पल इज केप्ट फॉर द केमिकल रिएक्शन। टेस्ट ट्यूब में हम मेनली क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स को लेते हैं और क्या देखते हैं, उनका रिएक्शन देखते हैं। ये किसका बना होता है, ये ग्लास का बना होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास, ओपन एट द टॉप एंड क्लोज एट द बॉटम। ऊपर की साइड टॉप की साइड ये ओपन रहता है और नीचे की साइड बॉटम की साइड ये क्लोज रहता है। इट इज़ यूज फॉर द सैम्पल टू कैप फॉर केमिकल रिएक्शन विच इज़ प्रोसीड टू चेंज द कलर अडर गिव्स प्रेसिपिटेट या स्टेट सॉलिड लिक्विड और गैस। हम क्या करते हैं, इसमें जो भी हम केमिकल्स लेते हैं उसमें हम रिएक्शन देखते हैं और रिएक्शन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, लाइक कलर में क्या चेंजेस आ रहे हैं या अडर में कोई चेंज आ रहा है या कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म बन रहा है या सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है या गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ये डिफरेंट स्टेट्स को देखने के लिए भी हम टेस्ट ट्यूब का यूज़ करते हैं। कहाँ पर, केमिस्ट्री के लैब में। नेक्स्ट इज टेस्ट ट्यूब स्टैंड। अ टेस्ट ट्यूब स्टैंड इज होल्डिंग स्टैंड फॉर द टेस्ट ट्यूब इन विच अ मोल्ड शेप ऑफ द टेस्ट ट्यूब गिवन टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब। ये कैसा होता है, ये मेनली आपका किसका बना होता है, वुडन का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है। इसमें एक ब्लॉक्स टाइप के बने होते हैं जिसमें हम टेस्ट ट्यूब को रख सकते हैं। सपोज हमने कोई रिएक्शन कराई, उसके बाद हमको अनदर रिएक्शन से कंपेरिजन करना है या उसके आगे की प्रोसेस है, तो हम क्या करेंगे, उस टेस्ट ट्यूब को हम पकड़ के तो नहीं रख सकते ना, उसको हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रख देते हैं। इसमें होल्स बने होते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक कॉरूट डिज़ाइंड अकॉर्डिंग टू टेस्ट ट्यूब शेप। से टेस्ट ट्यूब के शेप के अकॉर्डिंग इसमें जो होल्स बने होते हैं वो बने, उसके अंदर हम टेस्ट ट्यूब को पुट करते हैं। वन टेस्ट ट्यूब स्टैंड कैन होल्ड एटलीस्ट 6 टेस्ट ट्यूब। इट कंटेन्स रैक लाइक स्ट्रक्चर विच होल्ड मल्टीपल टेस्ट ट्यूब। एक जो भी टेस्ट ट्यूब आपका स्टैंड होता है उसमें मैक्सिमम हम 6 टेस्ट ट्यूब को होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टेस्ट ट्यूब होल्डर। अब सपोज हमने कोई अपने टेस्ट ट्यूब में हमने कोई रिएक्शन करानी है तो हम हाथ में टेस्ट ट्यूब को पकड़ के नहीं कर सकते। क्यों, अगर हम उसमें केमिकल डालेंगे, उसको रिएक्ट कराएंगे और हाथ में उसको पकड़े रहेंगे तो क्या हो सकता है, हमारे हाथ पर गिर सकता है कोई भी केमिकल, या हमें उसको टेस्ट ट्यूब को हीट करना है तो हम उसको हाथ से पकड़ के तो नहीं उसको बर्नर पे हीट करेंगे। इसके लिए क्या हम यूज़ करते हैं, टेस्ट ट्यूब होल्डर। अ टेस्ट ट्यूब होल्डर इज़ यूज टू होल्ड टेस्ट ट्यूब। इट इज़ यूज फॉर होल्डिंग अ टेस्ट ट्यूब इन प्लेस व्हेन टेस्ट ट्यूब इज हॉट और शुड नॉट बी टच्ड। इट इज़ मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील फिटेड इनटू वुड टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब विद केयरफुली होल्ड कोल्ड प्लेस। ये मेनली किसका बना होता है, इसके जो आगे का पार्ट होता है जिसमें हम टेस्ट ट्यूब को पुट करते हैं वो बना होता है स्टेनलेस स्टील का, जो किसमें फिट होता है, वुडन के अंदर जो है फिट रहता है। और इसमें हम पकड़ेंगे कि हम स्टेनलेस स्टील पार्ट नहीं पकड़ते, हम इसका वुडन पार्ट को पकड़ते हैं और उसके थ्रू हम टेस्ट ट्यूब को होल्ड करते हैं। नेक्स्ट इज टोंग्स। और टोंग इज़ लाइक अ फोर्सेप टू होल्ड एनी ऑब्जेक्ट विच आर यूज इन फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी। इट इज़ मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील विच हैव अ क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर। इट होल्ड्स ऑब्जेक्ट्स सच एज पोर्सलिन, टेस्ट ट्यूब, एनी हजार्डस सॉलिड स्टेट सैम्पल। ट्रांसफर ऑफ हॉट वाटर फ्रॉम वन बीकर टू अनदर मीन्स हम इससे क्या करते हैं, ये जो टोंग होता है ये फोर्सेप की तरह दिखता है और इससे हम मेनली, ये मेनली किसका बना होता है, ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है, क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर होता है। मेनली हम क्या पकड़ते हैं, इससे पोर्सलिन को पकड़ते हैं। टेस्ट ट्यूब को भी होल्ड कर सकते हैं बट टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने के लिए मेनली हम टेस्ट ट्यूब होल्डर का यूज़ करते हैं। इससे हम पोर्सलिन को पकड़ते हैं, सपोज पोर्सलिन गर्म है या हॉट है या उसमें ऐसा कोई, हमने ऐसा कोई सब्सटेंस पकड़ना है जिसको हम हैंड के थ्रू नहीं पकड़ सकते हैं, तो उसको हम किससे हम उठाते हैं, टोंग से, या कोई भी बीकर से दूसरे बीकर में हमें हॉट वाटर ट्रांसफ़र करना है तब भी हम टोंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज नेशनल सिलेंडर। अ सिलेंड्रिकल ट्यूब विच आर ओपन एट द टॉप एंड क्लोज एट द बॉटम विच आर फ्लैट। ये सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है जो ऊपर की साइड ओपन रहती है और नीचे की साइड फ्लैट बंद रहती है। इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास हैविंग विद मार्क एट 25 ml एंड 50 ml टू मेकअप
वैल्यूम ड्यूरिंग परफॉर्मिंग लिमिट टेस्ट। मेनली हम जो नेस्लर सिलेंडर का यूज़ करते हैं, जब आप लिमिट टेस्ट लैब में परफॉर्म करोगे केमिस्ट्री के लैब में, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर परफॉर्म द लिमिट टेस्ट। इसके इसमें हम लिमिट टेस्ट का परफॉर्म करते हैं लाइक क्लोराइड्स, सल्फेट, आयरन, लेड। तो मेनली जो लिमिट टेस्ट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, नेस्लर सिलेंडर का यूज़ करते हैं। और इसमें मार्क बने होते हैं 25 ml, 50 ml, ये मार्क्स बने होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ गैडजेट अपरेटस। द अपरेटस कंसिस्ट ऑफ वाइड नेकेड बॉटल अबाउट 200 cc कैपेसिटी क्लोज्ड बाई अ रबर बंग परफोरेटेड विद वन होल इन विच हेल्ड वर्टिकली अ नैरो ग्लास ट्यूब ज्वाइंट एट इट्स अपर एंड टू अ वाइडर ग्लास ट्यूब अबाउट 1 inch इन डायमीटर एंड 3 inch इन लेंथ। जो अपरेटस होता है ये कैसा होता है, वाइड नेकेड बॉटल होती है जिसकी कैपेसिटी होती है 200 cc, जो ऊपर क्लोज होती है रबर से, उसमें परफोरेटेड होती है जिसमें एक होल होता है, और वर्टिकली एक नैरो ग्लास ट्यूब गई होती है जो कि ज्वाइन करती है अपर एंड पे एक वाइडर ग्लास ट्यूब से अबाउट 1 inch इन डायमीटर और 3 inch लेंथ होती है। मेनली इस अपरेटस का यूज़ आप लोग को इतना लैब में नहीं है, एटलीस्ट डिप्लोमा लेवल पर तो नहीं है। इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास, ग्लास का बना होता है, और मेनली हम इसका यूज़ करते हैं आर्सेनिक लिमिट टेस्ट के लिए फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आर्सेनिक प्रेजेंस इन सैम्पल। मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर इज यूज फॉर स्टेन। नेक्स्ट इज बीकर। अ सिलेंड्रिकल कंटेनर विच आर ओपन एट द टॉप एंड क्लोज एट द बॉटम। बीकर क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है जबकि किसका बना होता है, ग्लास का बना होता है। ओपन एट द टॉप और नीचे की साइड क्या होता है, बंद होता है। अलग अलग साइज के बीकर आते हैं। इट्स मार्किंग आर नॉट नेसेसरली एक्यूरेट फॉर मेजरिंग ऑफ एक्यूरेट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। मीन इसकी जो मार्किंग होती है एक्यूरेट नहीं होती है, उसके लिए हम कैलिब्रेट करते हैं। इट इज़ अवेलेबल इन वेरियस साइजेस। बहुत सारे इसके साइजेस के आते हैं, 20 ml, 50 ml, 80 ml, 250 ml, अलग अलग साइजेस के बीकर आपको लैब में मिलेंगे। नेक्स्ट इज फनल। तो फनल का क्या यूज़ होता है, अ ट्यूब और पाइप विच इज़ वाइड एट द टॉप एंड नैरो एट द बॉटम। जैसे आप लोग घर में फनल देखते हैं ना ऑयल ऑयल के लिए यूज़ करने के लिए, वैसे ही सेम वैसा ही ये फनल होता है। इट इज़ यूज फॉर गाइडिंग लिक्विड और पाउडर इन टू अ स्मॉल ओपनिंग। क्या करते हैं, इसको हम किसी चीज़ को फ़िल्टर करना उसके लिए हम यूज़ करते हैं। सपोज़ हमें फ़िल्ट्रेशन करना है तो फ़िल्टर पेपर इसमें हम लगा कर उसके बाद उसको लिक्विड को हम फ़िल्टर करते हैं, जिससे क्या होता है जो भी पाउडर फॉर्म होता है, जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वो जो हमारा रिटेन हो जाते हैं कहाँ पर, फ़िल्टर पेपर पर, हमारा जो लिक्विड होता है वो नीचे में मिल जाता है। इट इज़ अवेलेबल इन वेरियस वेराइटी ऑफ साइजेस, वेरी स्मॉल, स्मॉल, लार्ज, वेरी लार्ज, डिफरेंट साइजेस के ये भी आते हैं, सबसे छोटा, उससे छोटा, बड़ा और उससे भी बड़ा। नेक्स्ट इज वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हम यूज़ कहाँ करते हैं, मिलियम टाइट्रेशन में यूज़ करेंगे। नैरो नेक फ्लास्क विच आर ओपन एट द टॉप एंड क्लोज एट द बॉटम विच आर हैविंग राउंड एट टू द बॉटम्स। क्या होता है, नैरो नेक फ्लास्क होता है जिसमें नीचे की साइड जो भी बॉटम होता है वो राउंडेड होता है। ये भी डिफरेंट साइजेस के आते हैं, 100 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होगा, 250 ml का, 500 ml का एंड 1000 ml का। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आर यूज टू मेजर स्टोर सोल्यूशन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी विच प्रोसेस अ मार्किंग नियर द टॉप एंड इंडिकेट द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इक्वल टू आउटसाइड द रिटेन। ये कैलिब्रेटेड की तरह हम यूज़ करते हैं, इस पर जो भी होता है मार्किंग वो एग्जैक्ट हो सकती है, जबकि जो हमारा बीकर होता है वो उसको हम कैलिब्रेटेड नहीं मानते हैं। नेक्स्ट इज ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड का हम यूज़ कहाँ करते हैं, अ स्टैंड हैविंग 3 legs टू टच सरफेस अटैच विद ट्राइंगल लिड। ट्राइंगल ट्राइपॉड है तो ट्राइंगल शेप का होता है, किसका बना होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ आयरन। इट इज़ यूज फॉर हीटिंग थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस फिल्ट्रेशन। मेनली हम किस किस लिए यूज़ करते हैं इसको, हम कोई भी हमें सब्सटेंस को हीट करना है तो इस पर हम जो भी नीचे हमारा स्टैंड के जो नीचे हम बर्निंग जो भी फनल होगा, बर्निंग जो भी हमारा बंसन बर्नर होगा उसको हम रखेंगे, और हीट करने के लिए जो भी सब्सटेंस को हीट करना होगा वो हम ऊपर की साइड रखते हैं। या हमें कोई भी सब्सटेंस को फ़िल्टर करना है तो इसमें हम फनल लगा के, उसमें फ़िल्टर पेपर लगा के, नीचे हम बीकर लगा के किसी भी सब्सटेंस को फ़िल्टर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वायर गाज। अ वायर गाज इज मेस लाइक स्ट्रक्चर सीट हैविंग सर्किल पेपर एट द सेंटर ऑफ मेस टू प्रोटेक्ट डायरेक्ट फ्लेम टू बंसन बर्नर।
इट इज़ मेड अप ऑफ वायर हैविंग आयरन मेटालिक नेचर. इट इज़ यूज फॉर सैम्पल टू हीट बट अवॉइड डायरेक्ट फ्लेम हीटिंग बाई पुटिंग इट ऑन ट्राइपॉड स्टैंड ऑन विच वाटर बाथ इज पुटेड ऑन. इसको हम मेनली किस लिए यूज़ करते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जिनको डायरेक्ट फ्लेम की ज़रूरत नहीं होती, तो हम बंसन बर्नर से जो भी डायरेक्ट फ्लेम ना उससे टच हो, इसके लिए हम सबसे नीचे इसको रखते हैं वायर गैस को. यह आयरन का बना होता है और उसके बाद हम जिस सब्सटेंस को हीट करना होता है उसे हम हीट करते हैं. ये मेनली मेस लाइक स्ट्रक्चर होता है. नेक्स्ट इज वाटर बाथ. अ वाटर बाथ इज अ आइटम विच कंटेन्स वाटर टू हीट इनडायरेक्टली इन एनी कंटेंट प्रेजेंट इन बीकर. इट इज़ मेड अप ऑफ मेटल्स विच कंटेन वाटर इन कैविटी. इट इज़ यूज फॉर सैम्पल टू केप्ट अंडर इनडायरेक्ट हीट. इसमें भी हम उन सब्सटेंस को हीट करते हैं जिनको हम डायरेक्ट हीट नहीं से कॉन्टैक्ट में नहीं लाना होता है. ये जो हमारा वाटर बाथ होता है इसमें हम वाटर को पहले हीट करते हैं, उसके बाद बीकर में जो भी सब्सटेंस को हमें हीट करना होता है उसको हम बीकर में पुट करते हैं और ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं इसको ओपन करके हम इसमें बीकर अपना रखते हैं. नेक्स्ट इज स्पैचुला. स्पैचुला इज लाइक अ स्पून इन लैब. अ स्पैचुला इज अ मेटालिक लॉन्ग स्पून लाइक स्ट्रक्चर टू ट्रांसफर सैम्पल इन टू टेस्ट ट्यूब और वे सैम्पल ऑन डिजिटल वैलेंस. सपोज हमने किसी बॉक्स से कोई भी केमिकल निकालना है तो हम घास से नहीं निकालते, उसको हम स्पैचुला के थ्रू यूज़ करते हैं. या कोई भी हमें सब सैंपल को ट्रांसफ़र करना है कहीं भी तो हम स्पैचुला के थ्रू करेंगे. इट इज़ मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील टू अवॉइड एनी कोरोजन. ये हम मेनली किसका बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है ताकि इसमें कोई कोरोजन ना हो. इट इज़ यूज फॉर सैम्पल टू ट्रांसफर इन टू टेस्ट वे सैम्पल ऑन डिजिटल बैलेंस. नेक्स्ट इज कंडेंसर. तो कंडेंसर इज अ लॉन्ग ट्यूब हैविंग टू रेडियल एक्सटर्नल इंटरनल. इनर रेडियस हैज टू ओपनिंग एट द टॉप एंड बॉटम. एक्सटर्नल रेडियस हैज साइड ओपनिंग. ये जो कंडेंसर होता है लॉन्ग ट्यूब होती है, इसमें दो टू रेडियल एक्सटर्नल और टू रेडियस होते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल. इनर रेडियस हैज टू ओपनिंग एट द टॉप एंड बॉटम. एक्सटर्नल रेडियस हैज साइड ओपनिंग. इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास हैविंग हाईली थर्मल रेडिएशन ऑफ स्टीम. इट इज़ यूज फॉर वेपर्स टू कंडेंस इंटू लिक्विड. नेक्स्ट इज राउंड बॉटम फ्लास्क. अ नैरो नेक फ्लास्क विच आर ओपन एट द टॉप एंड क्लोज एट द बॉटम विच आर हैविंग राउंड टू द बॉटम. राउंड बॉटम फ्लास्क आर यूज टू केप सैम्पल फॉर द सिंथेसिस. इट इज़ यूज फॉर द लॉन्ग प्रोसेस टेक्स टू टू मोर देन टू टू फाइव आवर्स. इट इज़ अवेलेबल ऑल्सो अवेलेबल इन वेरियस साइजेज लाइक 100 ml, 250 ml, 500 ml या 1000 ml. मेनली जो राउंड बॉटम फ्लास्क होती है उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, राउंड है नीचे की साइड, राउंड बॉटम जो इसका होता है राउंड होता है. इसको हम मेनली किसी भी केमिकल की सिंथेसिस करनी हो लाइक एस्प्रिन की सिंथेसिस है वो हम किसके थ्रू करते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क के थ्रू. नेक्स्ट इज रिएजेंट बॉटल. रिएजेंट बॉटल इज कंटेनर टू कीप रिएजेंट लाइक HCl. रिएजेंट बॉटल हैज़ कॉर्क टू प्रिवेंट ड्रेनेज ऑफ लिक्विड एंड प्रिवेंट द कंटेमिनेशन. मेनली जो रिएजेंट बॉटल है आपको लैब्स में दिखेंगी जिसमें केमिकल रखते होते हैं लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड. जो रिएजेंट बॉटल होती है इनमें कॉर्क लगा होता है ऊपर की साइड जिससे कि लिक्विड बाहर न निकले और कोई भी कंटेमिनेशन ना हो लिक्विड. नेक्स्ट इज वॉश बॉटल. अ वॉश बॉटल इज प्लास्टिक बॉटल कंटेन्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन द कैविटी टू ड्रिप आउटर आउटसाइड. जो भी हमारा वॉश बॉटल होता है ये प्लास्टिक का बना होता है, इसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आगे की साइड ऊपर की साइड होता है जिससे हम अगर नीचे पुश करें तो उसमें से वाटर बाहर निकल सके. इट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक. इट इज़ यूज फॉर रिंस द स्लाइड एडिशन ऑफ वाटर. ये मेनली साइड्स को वॉश करने के लिए और किसी भी हमारा जो भी हम काम कर रहे हैं लैब में उसमें अगर वाटर ऐड करना है तो हम किसके थ्रू करते हैं, वॉश बॉटल के थ्रू. नेक्स्ट इज बंसन बर्नर. अ बंसन बर्नर कंटेन्स नोजल फॉर द फ्लेम. इट इज़ मेड अप ऑफ मेटल एंड अटैच विद रबर पाइप टू ट्रांसफर द LPG गैस एज फ्यूल. इट इज़ यूज फॉर हीटिंग पर्पज एंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स सच एज बेक्रिक एसिड, एस्प्रिन एसिड. मेनली बंसन बर्नर का यूज़ हम हीट करने के लिए करते हैं लाइक जैसे हमें ड्रग्स की सिंथेसिस करनी है बेक्रिक एसिड या एस्प्रिन, इसके लिए हम बंसन बर्नर का यूज़ करते हैं लैब्स में. नेक्स्ट इज स्प्रिट लैम्प. स्प्रिट लैम्प इज विच इज़ फिल्ड विद फ्यूल्स. इट इज़ मेड अप ऑफ मेटल वेयर फ्यूल केप्ट एंड फाइबर एक्सपेल्ड फॉर एग्जिस्टिंग फायर. इट इज़ यूज फॉर हीटिंग पर्पज़ इन इमरजेंसी कंडीशंस. स्प्रिट लैम्प का यूज़ हम इमरजेंसी कंडीशन में सपोज हमें हीट करना है तो हम स्प्रिट लैम्प का यूज़ करते हैं जिसमें अंदर की साइड ये जो बना हुआ है इसमें फ्यूल फिल होता है और ये जो ऊपर आपको वाइट कलर का पार्ट दिख रहा है जिससे क्या होता है हम हीट करते हैं लाइक जैसे आप दिया जलाते हो वैसे ही तरह यूज़ होता है स्प्रिट लैम्प.
ग्लास रॉड, अ ग्लास रॉड इज लॉन्ग रॉड, इट इज मेड अप ऑफ ग्लास, इट इज यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ केमिकल इन द बीकर एंड ऑल्सो यूज इन टू डिप लिटमस टू चेक द पीएच ऑफ द सोल्यूशन। ग्लास रॉड लंबी रॉड होती है जो ग्लास की बनी होती है, और ये मेनली किसी भी बीकर में अगर कोई केमिकल है उसको हम हैंड के थ्रू या स्पैचुला के थ्रू नहीं मिक्स करते, हम ग्लास रॉड के थ्रू मिक्स करते हैं। और इसको हम लिटमस पेपर, अगर हम किसी पी सोल्यूशन का पीएच भी चेक करना है तो हमें ग्लास रॉड के थ्रू हम जो पीएच पेपर है उस लिटमस पेपर है सॉरी उससे हम पीएच किसी भी सोल्यूशन का चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पैट्री डिश। पैट्री डिश क्या होती है? इज़ अ राउंड बॉटम, राउंड फ्लैट बॉटम, ये भी ग्लास की बनी होती है और ये मेनली यूज़ होती है माइक्रोबायोलॉजी लैब में कल्चर प्रिपरेशन के लिए, मेकिंग कॉपर सोल्यूशन इन फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी, फाइंड एंगल ऑफ रिपोज इन फार्मास्यूटिक्स। मेनली पैट्री डिश का यूज़ सूटिक्स की लैब में भी कर सकते हैं, कॉपर सोल्यूशन बनाने में भी यूज़ करते हैं, या माइक्रोबायोलॉजी की लैब में कल्चर प्रिपरेशन के लिए भी हम पैट्री डिश का यूज़ करते हैं। पैट्री डिश एंड चाइना डिश, ये दोनों डिफरेंट हैं। नेक्स्ट इज पिपेट। अ पिपेट इज लॉन्ग ट्यूब मार्क्ड इन एमएल, रबर बल्ब इज एट द टॉप टू सक द लिक्विड, इट इज मेड अप ऑफ ग्लास एंड रबर बल्ब टू ट्रांसफर लिक्विड और हजार्डस केमिकल इंटू रिएक्शन मीडियम। मीन्स अगर हमें किसी केमिकल को निकालना है तो हम किसके थ्रू निकालते हैं? पिपेट के थ्रू निकालते हैं। ये ग्लास का बना होता है और जो ऊपर की साइड एक रबर बल्ब लगा होता है जिससे हम लिक्विड को सक करते हैं। मेनली जो ये डिफरेंट वॉल्यूम्स के आते हैं 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml। नेक्स्ट इज ड्रॉपर। अ ड्रॉपर इज लॉन्ग ट्यूब विच इज अटैच टू द बल्ब रबर, द टिप ऑफ द ट्यूब इज वेरी नैरो टू सक लिक्विड इंटू लॉन्ग ट्यूब, इट इज मेड अप ऑफ ग्लास एंड रबर टू इनटेक वाटर इंटू ट्यूब, इट इज यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ लिक्विड इन ड्रॉप्स टू एड डिटर्जेंट्स इन टेस्ट ट्यूब। मेनली जो ये हमारा ड्रॉपर होता है ये बल्ब रबर ऊपर की साइड अटैच होती है, जो ट्यूब होती है वो नैरो होती है, इसके मेनली यूज़ करते हैं कि सपोज हमें कोई भी स्मॉल पार्ट में जो ड्रॉप्स के फॉर्म में अगर हम लिक्विड को ट्रांसफ़र करना है कहीं पर तो हम ड्रॉपर का यूज़ करते हैं, या सपोज हमें इंडिकेटर लेना है तो हम इसका यूज़ करेंगे केमिस्ट्री के लैब में टाइट्रेशन में, या कोई रिएजेंट हमें ऐड करना है टेस्ट ट्यूब में तब भी हम ड्रॉपर का यूज़ करते हैं। ब्यूरेट, अ डिवाइस यूज फॉर क्वान्टिटेटिव एनालिसिस फॉर मेजरिंग लिक्विड सोल्यूशन ड्यूरिंग टाइट्रेशन, बेसिकली यूज टू मेजर अमाउंट ऑफ टाइट्रेंट यूज ड्यूरिंग रिएक्शन। The volume of liquid used to is given as V initial minus V final. The burette contains 50 ml volume of liquid which is added drop by drop in titrant. Mainly हम इसको quantitative analysis में use करते हैं titration में, इसमें हम पूरा जो हमारा burette होता है 50 ml का होता है पूरा अच्छे से mark कर दिया जाता है, उसमें हम titrant डाल देते हैं, उसके बाद जो भी हम titration करते हैं तो हम initial minus final volume को check करते हैं। नेक्स्ट इज ब्यूरेट स्टैंड। ब्यूरेट स्टैंड इज यूज टू होल्ड ब्यूरेट इन वर्टिकल पोजिशन इन विच नॉब ऑफ ब्यूरेट एट द बॉटम टू ड्रॉप टाइट्रेंट फ्रॉम ब्यूरेट, इट इज मेड अप ऑफ मेटल सच एज आयरन एंड इंसुलेटिंग रबर एट होल्डिंग आर्म्स। कोनिकल फ्लास्क। अ कोनिकल फ्लास्क इज कोनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर हैविंग वन ओपनिंग एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ कोनिकल फ्लास्क इज फ्लैट, ये भी बना होता है हमारा ग्लास का टू क्लियरली डिटरमाइन द एंड पॉइंट ड्यूरिंग टाइट्रेशन। इसमें इसको भी हम यूज़ किससे यूज़ करते हैं? टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं एंड पॉइंट का पता लगाने के लिए। इट इज़ यूज टू कीप सैंपल फॉर टाइट्रेशन, इसमें जो भी सैंपल का हमें टाइट्रेशन निकालना है उसको हम इसमें रखते हैं। नेक्स्ट इज सेपरेटिंग फनल। अ सेपरेटिंग फनल इज इक्विपमेंट और ग्लासवेयर विच हैव अ कॉर्क एट द टॉप एंड नॉब एट द बॉटम, इट इज़ मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द टू पार्टीशन फेजेज, इट इज़ यूज टू डिटरमिनेशन ऑफ पार्टीशन कोफिशियंट एंड क्लियरली ऑब्जर्व द इंटरफेशियल फिल्म लेयर बिटवीन द टू फेजेज, वन इज हाइड्रोफिलिक एंड अदर इज हाइड्रोफोबिक। ये मेनली हम किसके लिए यूज़ करते हैं? पार्टीशन कोफिशियंट का पता लगाने के लिए। इसमें जो दो फेजेज होती हैं, वन एक जो हमारा हाइड्रोफिलिक फेज होता है और दूसरा इज हाइड्रोफोबिक। नेक्स्ट इज मेजरिंग सिलेंडर। अ मेजरिंग सिलेंडर इज लॉन्ग ट्यूब ओपन एट द टॉप एंड क्लोज एट द बॉटम हैविंग मार्क्ड इन ml, इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास, इजली डिटरमाइन द वैल्यूम ऑफ लिक्विड इन ml, इट इज़ हाईली एक्यूरेट मेजरिंग मार्क्स विच एग्जैक्टली मेजर्स द वैल्यूम ऑफ लिक्विड। इसको भी हम मेनली किस लिए यूज़ करते हैं? किसी भी लिक्विड को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, और ये जो मार्क बने होते हैं इससे हम डिटरमाइन करते हैं कि कितना हमें लेना है 20 ml, 30 ml, 40 ml,
ये मेनली ये भी ग्लास का बना होता है, लॉन्ग ट्यूब होती है, ऊपर की साइड ओपन रहती है और नीचे की साइड जो बॉटम होता है वो क्लोज होता है। नेक्स्ट इज़ पीएच पेपर। पीएच पेपर इज़ कॉल्ड लिटमस पेपर। इस पीएच पेपर को हम लिटमस पेपर भी कहते हैं, विच इज़ यूज टू डिप इनटू सॉल्यूशन टू डिटरमाइन द मीडियम। पीएच पेपर इज़ यूज टू डिटरमाइन इफ़ अ सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और नेचुरल। पीएच पेपर का हम यूज़ जो भी है, इसे हम लिटमस पेपर भी कहते हैं और इसका हम मेनली यूज़ करते हैं कि किसी मीडियम जो भी हमारा सोल्यूशन है वो किस मीडियम का, एसिडिक नेचर है, बेसिक है या न्यूट्रल है। इफ़ लिटमस पेपर, अगर जो लिटमस पेपर है उसका कलर उस लिटमस इफ लिटमस गिव्स कलर एबो 7 देन इट इज़ कॉल्ड बेसिक मीडियम। अगर 7 से ऊपर वैल्यू आ रही है तो वो बेसिक मीडियम है। इफ लिटमस गिव्स कलर बिलो 7 देन इट इज़ कॉल्ड एसिडिक मीडियम। मतलब अगर 7 से कम वैल्यू है तो वो हमारा क्या होगा, एसिडिक मीडियम होगा, और 7 से ज़्यादा अगर वैल्यू आ रही है तो हमारा बेसिक मीडियम होगा। नेक्स्ट इज डिजिटल पीएच मीटर। अ पीएच मीटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजरिंग द पीएच। द पीएच इज़ आइदर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इन एक्वस सॉल्यूशन और एक्टिव नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एन एक्वस सॉल्यूशन। द पीएच स्केल कैन मेजर दैट सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक। द पीएच स्केल हैज़ रेंज फ्रॉम 0 to 14। ये भी जो डिजिटल पीएच मीटर है, ये भी किसी भी सॉल्यूशन के पीएच को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज डिजिटल कंडक्टिविटी मीटर। ये सारा आपको इतना यूज़ नहीं है बट आपको जानना ज़रूरी है कैसा दिखता है। ये मेनली किसी भी सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक स्टिरर। मैग्नेटिक स्टिरर भी एक ऐसी डिवाइस है जो कि लैब में यूज़ होती है। इसमें जो है एक मैग्नेट पड़ा होता है जो कि रोटेट करता रहता है और एक मैग्नेटिक रोटेटिंग फील्ड क्रिएट करता है। दिस डिवाइस इज़ यूज टू मेक अ स्टार बार इमर्ज इन अ लिक्विड क्विक स्पिन स्टरिंग द मिक्सिंग सोल्यूशन। दे हैव अ मैग्नेटिक बीड विच इज़ प्लेस इन द सोल्यूशन रोटेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट इज डिजिटल बैलेंस। डिजिटल बैलेंस इज अ वेइंग इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू वे केमिकल्स। दे हैव टॉप फ्लैट सर्फिस वेयर सैम्पल इज केप्ट एंड वे अमाउंट नेसेसरी फॉर प्रैक्टिकल। इट कंसिस्ट वेरियस बटन्स टू कंट्रोल एज ऑन ऑफ बटन, यूनिट बटन, PCS बटन, टेयर बटन। मेनली इसमें बहुत सारे बटन्स होंगे। सपोज जीरो पे करना, टेयर बटन का हम यूज़ करते हैं। यूनिट्स को चेंज करना है, ग्राम है, मिलीग्राम है, किस में हमें वे करना है उसके लिए बटन होगा। ऑन ऑफ का बटन होगा। मेनली हम किसी भी केमिकल को वे करने के लिए हम डिजिटल बैलेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑपरेटर्स। मेल्टिंग पॉइंट ऑपरेटर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी भी सब्सटेंस की मेल्टिंग पॉइंट का पता लगाते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी operators used in labs. If you like my video, subscribe my channel and don't forget to press bell icon. Thank you.